राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तत्वावधान में आयोजित कला उत्सव 2016 में राष्ट्रीय स्तर के लिए हमारी बालिकाएं चयनित हुई। रामलीला का मंचन प्रायः बालकों के द्वारा ही किया जाता रहा है और बालिकाओं ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया, ये निश्चित ही बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए भी बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं सभी बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि ये अपना प्रदर्शन निरंतर जारी रखें और अच्छा सा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थान प्राप्त करें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो कला उत्सव में हमारे बच्चों ने रंगमंच में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और बच्चों का जो अभिनय है वो बहुत तारीफ के काबिल है और बच्चों ने इसी अभिनय क्षमता की वजह से राज्य में स्थान प्राप्त किया और हमारे पूरे विद्यालय परिवार की शुभकामनाएँ हैं कि बच्चे जो है भारतवर्ष में भी अपना स्थान प्राप्त करें। उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने का जो सरकार की पहल है वो सराहनीय है। जो उत्तराखंड की कुमाऊनी रामलीला है वो अपने में अनूठी रामलीला है। मैं 2011 से ये रामलीला का मंचन कर रही हूँ, उसमें मैंने पार्श्व गायिका का रोल अदा किया है। आज तक महिलाओं को केवल गाने में प्रतिभा करवाते थे और अब हमने ये सोचा कि क्यों ना बालिकाओं के द्वारा इस मंचन से इनको अवसर प्रदान किया जाए। आज तक समाज में ये होता था कि पुरुषों को ही ये पात्र ये अभिनय करवाया जाता था, लेकिन अब हमारी बालिकाओं ने पुरुषों के पात्रों का अभिनय कर करके समाज को ये बता दिया है कि बालिकाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले मैं हमारी इन बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि ये बालिकाएं हमारी जिस तरीके से राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त की हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना स्थान प्राप्त करेंगी, क्योंकि हमारा जो रामलीला मंचन यहाँ पर किया है बालिकाओं ने, यह है सूर्पणखा के नासिका छेदन से लेकर जटायु के संघर्ष और जटायु द्वारा राम को बताया जाना कि वो सीता को किस प्रकार से हरण करके ले गया है। Thank you.
बापी।